आपको हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी है। 2010 से मध्य प्रदेश के अंदर आज तक कोई नई दुकान नहीं खोली गई, उल्टे बंद ही की गई। आपके ध्यान में आया होगा कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी मध्य प्रदेश में 64 दुकानें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बंद की गई थी। इस वर्ष की भी मदरा नीति, जो आबकारी नीति आई है, मदरा के सेवन को हतोत्साहित करने वाली ही आई है। अब प्रदेश में जितने भी आहाते हैं सभी आहातों को बंद किया जा रहा है, कोई आहाता अब प्रदेश में चालू नहीं रहेगा। इसी तरह से जो शॉप बार थे, शॉप बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे शॉप बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं, आहाते भी बंद किए जा रहे हैं, शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों में केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी, दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। अभिप्राय मेरा यह है कि शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इनकी दूरी 50 मीटर हुआ करती थी, उसे बढ़ा के अब 100 मीटर किए जाने का, और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं, अभी तक एक दो का ही मार्ग था, अब सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं इसमें शामिल की गई है। वाहन चलाने वाले, जो शराब पी के वाहन चलाने वाले थे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए प्रावधान और कड़े करने का भी आज तय किया है। सतना में जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज के लिए आज 150 MBBS की सीटों वाले महाविद्यालय के लिए 750 विस्तरी चिकित्सालय स्वीकृत किया गया है। उसके संचालन के हेतु 1092 नियमित और 497 संविदा के पदों, कुल 1589 के पदों के सृजन का प्रस्ताव आज कैबिनेट के द्वारा दिया गया है, पास किया गया है। इन पदों पर सृजन पर ₹72.88 करोड़ एवं 497 संविदा पदों पर 6.19 करोड़ का अनुमानित व्यय को भी आज स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा की गई है। पदों की पूर्ति चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। ग्वालियर के अंदर हमारी जो नवीन तहसील है, वो अब ग्वालियर के अंदर मुख्यमंत्री जी परसों घोषणा करके आए थे, उस नवीन तहसील के सृजन को अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इस तहसील में 36 पटवारी हलके शामिल होंगे। नई प्रस्तावित तहसील का मुख्यालय ग्वालियर होगा और इसमें ग्वालियर, लश्कर तहसील, मुरार और तहसील सिटी सेंटर की सीमाएं थोड़ी परिवर्तित होंगी। 8 पदों का सृजन भी इसके लिए किया गया है। कार्यालय गठन पर 60 लाख रुपए का आवर्ती व्यय और 644.14 रुपए का अनावर्ती व्यय भी होगा, उसको भी आज सहमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। क्षतिग्रस्त मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए आज 4,160 करोड़ रुपए करोड़ को बैंक ऑफ सैंक्शन से मुक्त रखे जाने का प्रस्ताव आया था, जिसमें हमारी जो सड़कें हैं 4,738 किलोमीटर की सड़कों जो आवश्यक थी, उनके लिए 4,160 रुपए के अनुमानित व्यय को भी आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई। नगरी प्रशासन विभाग द्वारा जो प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया गया था कि जो हमारी शासकीय भूमि, नजूल भूमि और स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के निवासरत गरीबों के आवासीय पट्टे का प्रावधान था, उसे अब 31/12/14 के स्थान पर 31/12/2020 किए जाने का प्रस्ताव था, जिसे कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी है। गरीबों के आवासीय पट्टे देने की पात्रता तिथि 31/12/2000 निर्धारित जो थी, अब उसको 20 तक करने का कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया।